खट्टर साहब ने एक बयान दिया है कि आंदोलन अगर शांति से चलता तो हमें कोई इतराज नहीं था लेकिन अब आंदोलन में अनैतिक काम होने लग गए हैं अब आंदोलन में आ, औरतों से छेड़छाड़ होने लग गई है पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आ, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि सात महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है पाँच सौ हमारे लोग शहीद हो गए हैं उसके बावजूद भी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है इससे ज़्यादा क्या शांति चाहते हैं हमें समझ नहीं आती कितने लोग इसमें आत्महत्या कर गए हैं अभी आ, दो दिन पहले जो है जींद में एक किसान धरने पे आत्महत्या कर गया है उसके बावजूद भी आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं हुआ उसके बाद भी आंदोलन नहीं भड़का और उस इतना सब कुछ होने के बावजूद जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन में उसके बावजूद भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में तो अपराध बढ़ गए हैं आंदोलन में तो पता नहीं क्या छेड़खानियाँ बढ़ गई हैं आंदोलन में तो अनैतिक काम हो रहे हैं हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ क्या खट्टर साहब बाकी कहीं कोई छेड़खानियाँ नहीं सारी बंद हो गई हरियाणा में जब से आपकी सरकार आई बढ़ रही हैं हिसाब उठा के देखिए तो मैं बताना ये चाहता हूँ खट्टर साहब को कि खट्टर साहब पहले अपने गिरेबान में झाँक के देख लो कि गलती किसकी है और आंदोलन कौन चलवाना चाह रहा है आपके मन में क्या है हम शौक़ नहीं है मैं आंदोलन चलाने का हम कोई आ, 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 अपने देश के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम इसी देश के नागरिक हैं और आप इसी देश के नागरिकों के नुमाइंदे हो और आप जिस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी कंपनियों को देश को बेचना चाह रही है ना उसको रोकने के लिए 500 किसान अभी तक धरनों पर शहीद हो गए हैं तो उनको वो तो आपको नज़र नहीं आए वो इतने शांति से चलता आंदोलन आपको नज़र नहीं आया आपके लोगों ने आगे गुंडागर्दियाँ की वो आपको नज़र नहीं आई आपके लोग मारपीट करने के लिए धरनों पर पहुँचे वो गलतियाँ आपको नज़र नहीं आई आपने जगह जगह पे अपने लोगों को जानबूझ के भे भेज रहे हैं हमारे नमक जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए जगह जगह पे प्रोग्राम रखवाते हैं जानबूझकर कि वहाँ पे किसान आएंगे दंगा होगा ये होगा वो होगा वो गलतियाँ आपको अपनी नज़र नहीं आई हमें पहले पता था अब भी हम कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को या तो बदनाम करने के इंतज़ार में है और या किसी तरह से हमारे में फूट डालने के जो है वो इंतजार में है लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन भोजन से जुड़ा हुआ है यह आंदोलन परमात्मा चला रहा है